मोटो ब्लॉग कम्युनिटी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आमिर माजिद के बारे में। तो इनके तरफ से कल एक ब्लॉग आया जिसमें वो बताए कि उनकी न्यू सुपर बाइक डुकाटी V4 होगी। बाकी हम बाइक का प्लान कर चुके हैं और जो बाइक है वो होने वाली है डुकाटी की V4। ठीक है ना भाई, बहुत प्यारी बाइक है एंड फोटोज वगैरह सारी चीजें मेरे तक आ चुकी है। डीलर वाले भैया से हमारी बात भी हो गई है। 2.5 पे हमारी बाइक की डिलीवरी होगी एंड स्टे ट्यून्ड। सारी चीजें जो है मीटअप वगैरह की डिटेल्स मैं दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। एंड आप लोग इश्तियाक जी एंड एमएस शेख को तो जानते ही होंगे जो आमिर माजिद के म्यूजिक वीडियो के लिए करते थे और आमिर माजिद के साथ ही रहते भी थे। लेकिन अगर आप आमिर के ब्लॉग फॉलो करते होंगे तो रिसेंटली जितने भी ब्लॉग आमिर की तरफ से आया उसमें ना ही इश्तियाक जी दिख रहे हैं और ना ही एमएस शेख, और इन दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर आमिर माजिद को अनफॉलो भी कर दिया है। तो शायद से इन दोनों का आमिर माजिद के साथ कुछ सीन हो गया है। तो जब तक आमिर की तरफ से इससे रिलेटेड कुछ अपडेट नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोटो ब्लॉगर जानू एस्टेंट के बारे में। अमीन भट्ट की तरफ से एक ब्लॉग आया जिसमें जानू ने बताया कि वो बहुत जल्द एक लॉन्ग ट्रिप पर जाने वाले हैं अपने सभी मोटो ब्लॉगर फ्रेंड के साथ। बहुत ही जल्दी भाई हम दोनों एक ट्रिप पे भी निकलने वाले हैं। ठीक है, तो तगड़ा मजा आने वाला है। ये सरप्राइज है सबके लिए। मैंने अभी तक अपने ब्लॉग में नहीं बोला कि हम ट्रिप पे निकल रहे हैं, इसके ब्लॉग में बोल रहा हूँ तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं, क्या सीन है। एक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं और गाइस वहाँ पर मीटअप भी रखने वाले हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, तो रेडी हो जाओ वहाँ के राइड के लिए। एंड जानू की तरफ से एक ब्लॉग आया जिसमें वो बताया कि उनके फ्रेंड प्रतीक्षा का एक न्यू बाइक बाय करने वाली है। गाइस फाइनली यही वाली बुक जो है, मतलब जो बाइक है वो पसंद आई। अब ये बुकिंग वगैरह देख लेते हैं, बाकी ये इसकी कुछ ऑन रोड अमाउंट है नीचे वाला भाई 2,50,000 की पड़ेगी, तो इसी पे देखते हैं भाई यही लेंगे, ये लुक में भी अच्छी लग रही है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द यूके जोर सेवन राइडर के बारे में। तो फाइनली सम्राट भाई के चैनल से एक वीडियो आया जिसमें यूके जोर सेवन एंड सम्राट भाई दोनों एक दूसरे को रोस्ट किए हैं। मतलब मैंने 2018 में अपने व्लॉगिंग चैनल की शुरुआत करी थी सम्राट भाई। ऑलराइट, लेकिन फेमस तो तुम 2021 के बाद हुए। 2021 के बाद नहीं, मतलब मेरे 2019 में 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। और 2021 वाली कंट्रोवर्सी के बाद सम्राट भाई आपको कैसा लगता है वर्ल्ड सेकंड अनफनीएस्ट रोस्टर होने में? सेकंड तो वो फिर तुम्हारे सबसे पहला कौन है? लक्ष्य चौधरी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। एंड फाइनली यूके 07 का न्यू सॉन्ग साहिबा 2 ने कंप्लीट कर ली है 1,000,000 कमेंट। इससे रिलेटेड यूके 07 अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ ही कहे। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उर्वशी रौतेला। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहां आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि का अपडेट मिलते रहते हैं। आप यहां 1000 प्लस लाइव गेम भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7-1-2-1 कस्टमर सपोर्ट है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेले और आईफोन 13, रॉयल इनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिविज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। गाइस गुड मॉर्निंग, आई जस्ट वोक अप एंड कांग्रेचुलेशंस, 1,000,000 कमेंट, उठ जा भाई, 1,000,000 कमेंट, भाई साहब आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू गाइस। ब्रो सेना को आज तक जो रिकॉर्ड दिए ना सारे तोड़े, और 1,000,000 भाई तुम कितने खतरनाक लोग हो तुम। आई एम सीरियसली हैप्पी गाइस कि यू मेड इट पॉसिबल एंड यू मेड द रिकॉर्ड। हमारी इंडिया में 2 वीडियोस टॉप 10 में गाइस, एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की जो मोस्ट एवर कमेंटेड म्यूजिक वीडियो है। एंड शुक्रिया साहिबा को इतना पसंद करने के लिए। मैं बहुत इमोशनल हूँ इस टाइम पे, बट सच्ची में गाइज मैं जो सो के उठा और उस वीडियो में 1,000,000 कमेंट देख रहा हूँ ना, बता भी नहीं सकता हूँ। एक टाइम में व्यूज नहीं आते थे इतने जितने आज आप लोग कमेंट कर रहे हो। आई लव यू। लास्ट स्टोरी हम बात करने वाले हैं राजा डीसी के बारे में। तो इनकी तरफ से आज एक ब्लॉग आया जिसमें एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली। दरअसल आज वाले ब्लॉग में राजा डीसी अपने फ्रेंड के साथ एम्बुलेंस के लिए ट्रैफिक साइड करवा रहे थे। आप खुद देख लो भाई, एम्बुलेंस आ रहे, लोग साइड नहीं दे रहे, ब्रो साइड करो, साइड करो। एम्बुलेंस वाले भाई भी बोल रहे हैं भाई गाड़ियां साइड कर दो यार, साइड 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 कर, साइड कर, साइड करो, साइड साइड करो, साइड करो। भाई लोग साइड ही कर रहे हैं यार, साइड करो भैया, साइड करो, साइड करो। तो मीडिया और जो ट्रैफिक पुलिस वाले भाई जो सीधे मोटो ब्लॉगर्स के ऊपर बैरिकेड फेंक देते हैं, उन्हें एक बार मोटो ब्लॉगर्स की ये वाली वीडियो भी देखनी चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।